ऑटिज़म के लक्षण क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। नॉर्मली ऑटिज़म जिन बच्चों को मिल में कोई भी डेवलपमेंट इम्पेयरमेंट नहीं होता, उनका चलना बैठना सब कुछ सही टाइम पर शुरू होता है। जो दिक्कत बच्चों में दिखना शुरू होती है वो 1.5 से 2 साल के करीब दिखना शुरू होती है, जब बच्चा जिसकी वोकैबलरी होती है वो बहुत ही सीमित होती है, बच्चा कुछ भी बोलने में असमर्थ होता है। तब पेरेंट्स पहली बार नोटिस करते हैं कि बच्चा जो है वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। साथ ही में बच्चा अपने ही खेलों में मगन रहता है, किसी एक टॉय से साथ काफ़ी ऑब्सेस रहता है, एक ही खिलौना या एक कोई चीज़ उसे बहुत काफ़ी पसंद होती है। साथ में जो इन बच्चों में एक कॉमन सिम्टम्स देखा गया है, कई बच्चे हैंड फ्लैपिंग करते हैं इस तरीके से, हैंड फ्लैपिंग अभी खुश होने पर इस तरीके से हैंड फ्लैपिंग करते हैं या फिर टो वॉकिंग भी करते हैं। दूसरी चीज़ है जो बच्चे आँख से आई कॉन्टैक्ट होता है इन बच्चों में काफ़ी कम होता है, आँख मिलाकर मिलाने के बात नहीं करते या ऐसे ऐसे करके बात करते हो, अपने आईज जो होते हैं वो कॉन्टैक्ट करने में अवॉइड करते हैं। साथ में जो ये बच्चे जनरली इशारे से बात करते हैं, जो कि अगर उन्हें कोई सामान चाहिए तो नाम लेने के बजाय इशारा करेंगे, पॉइंट करेंगे ऑब्जेक्ट की तरफ कि हमको ये इस तरीके से दे दो। साथ में इन बच्चों में काफ़ी चिड़चिड़ापन और ज़िद्दीपन आ जाता है, अगर इनकी कोई विश पूरी ना हो तो ये एकदम बच्चे ज़मीन पर लेट जाते हैं या बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने मोटी मोटी जानकारी ऑटिज़म डिलेड स्पीच के बारे में बताई है। अगर आपको इस तरीके का बच्चा या इस तरीके का आपकी सोसाइटी में कहीं पर भी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। Audio Jungle.